मैं आपके लिए लेकर आया है छोटी सी मोटिवेशन। अकेले हैं तो क्या गम है, हम बता रहे हैं। हरदम खुश रहने के कुछ खास टिप्स। जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे समय में अपने आप को खुश रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपकी मदद के लिए हम कुछ टिप्स यहाँ साझा कर रहे हैं। खुश रहना कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो सामान्यतः खुश रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होंगे जो भीतर से बहुत दुखी होते हैं और अपनी बात भी किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और आखिर में उसका परिणाम ये होता है कि वो मानसिक तौर पर किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप खुश रहने की कला सीख लें। किसी के साथ हैं या अकेले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका खुश रहना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जानिए क्या है खुश रहने की कला के जरूरी नियम। एक, अपनी तुलना किसी के साथ न करें। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने आप को अपने दोस्त, सहकर्मी या फैमिली के अन्य लोगों से कंपेयर करने लग जाती हैं और खुद को उनसे कमतर महसूस करने लगती हैं। यह यकीनन आपको दुखी कर सकता है। हर इंसान अपने आप में बेहतर होता है, हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। जरूरी है अपनी खासियत को समझ। दो, सोशल मीडिया के टाइम में करें कटौती। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और उससे हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है, पर यह भी सच है कि ये ऐसे लोगों का भी जरिया है जो फेक हैं और अपना शो ऑफ अधिक करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए इसका प्रयोग थोड़ी ढाया कम करें, जिससे आप तनावग्रस्त होने से बचेंगी और खुद में अच्छा महसूस करेंगी। तीन, सीमित करें मोबाइल का प्रयोग। मोबाइल हम सबकी जरूरत है, लेकिन इसका प्रयोग एक लिमिट तक ही करना चाहिए, अन्यथा ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। हम एक मिनट भी अपने मोबाइल से दूर नहीं रह सकते हैं। आपको पता भी नहीं चल पाता कि आप इसकी लत की शिकार हो जाती हैं। जरूरत से ज्यादा मोबाइल और अन्य गैजेट्स का प्रयोग सिर्फ आपकी आंखों ही नहीं, बल्कि आपकी मानसिक सेहत को भी प्रभावित करता है। और इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगी कि ये आपके दिन और रात के समय का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। चार, अपने शौक को समय दें। सिर्फ नौकरी और घर के काम ही नहीं, उन चीजों के लिए भी समय निकालें जो इसके अलावा हैं, यानी अपने शौक के लिए। फिर चाहे वह गीत गाना हो, नाचना, बागवानी या फिर कोई पसंदीदा खेल, अपने शौक को समय देना आपको भावनात्मक संतुष्टि का एहसास करवाता है और ये एक बेहतरीन स्ट्रेस बस्टर भी है। पांच, खुद को करें डेट। ये आपके लिए एक अच्छा प्रयोग सिद्ध हो सकता है। अपने लिए कोई एक दिन चुनें और उस दिन खुद को डेट करें। अपनी पसंद की ड्रेस पहनें, अपनी पसंद का खाना खाएं और वह सब करें जो आपको अपने लिए करना पसंद है। सबसे जरूरी बात, इसके लिए किसी मुहूर्त का इंतजार ना करें। जब भी आप चाहें अपने दिन को अपने लिए सेलिब्रेट कर सकती हैं। छह, योग ध्यान प्राणायाम का अभ्यास करें। यह आपकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। योग जहां आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, वहीं ध्यान और प्राणायाम आपको मानसिक तनाव से राहत देता है। प्राणायाम एक श्वसन क्रिया है जो आपके शरीर के सभी अंगों तक उचित मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। वहीं ध्यान आपको तनाव मुक्त कर किसी भी तरह के अवसाद या मानसिक विकार से बचाता है।